यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे और नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंभे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की डेवढ़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए और लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करे और विश्राम दिन में जो होमबलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढे का हो और अन्नबलि यह हो, अर्थात मेढे के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चे के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और नए चांद के दिन वह 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए, ये सब निर्दोष हो। और बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह एक एक एपा अन्नबलि तैयार करे और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और जब प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए वह उत्तरी फाटक से होकर निकले, अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो वह उसी फाटक से न लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। और जब वे भीतर आए तब प्रधान उनके बीच होकर आए और जब वे निकले तब वे एक साथ निकले। और पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्नबलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढ़े पीछे एपा भर का हो और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होमबलि व मेलबलि को स्वेच्छाबलि करके यहोवा के लिए तैयार करे तब पूर्वमुखी फाटक उसके लिए खोला जाए और वह अपना होमबलि व मेलबलि वैसा ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। और प्रतिदिन तू वर्ष भर का 1 निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होमबलि के लिए तैयार करना, यह प्रति भोर को तैयार किया जाए और प्रति भोर को उसके साथ 1 अन्नबलि तैयार करना, अर्थात एपा का 1/6 अंश और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की 1/3 यहोवा के लिए सदा का अन्नबलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा, अन्नबलि और तेल प्रति भोर को नित्य होमबलि करके चढ़ाया जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले, भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उसकी निज भूमि से छीना हो, अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि से भाग दे। ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तीतर बीतर हो जाए, फिर वह मुझे फाटक की 1 अलंग में द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिम ओर के कोने में 1 स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोषबलि और पापबलि के मांस को पकाए और अन्नबलि को पकाए। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब
उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उन आंगन के चारों कोनों में फिराया और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी और भीतर चारों ओर भीत थी और भीतों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाए, ये वही है।